ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, इफ यू आर गिवन एन एग्जाम, इफ यू आर गिवन ए स्पेसिमेन, हाउ वुड यू क्लासिफाई, हाउ वुड यू क्लासिफाई दोज ऑर्गेनिजम्स, तो उनको क्लासिफाई कैसे करोगे, वही कह रहा है. तो हाउ वुड वी क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म, वो ये पूछ रहा है. तो आंसर नंबर टू, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक फॉर, वी विल लुक फॉर बेस फॉर फंडामेंटल फीचर्स एज अ बेसिस टू क्लासिफाई देम. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिमेट्री देख सकते हैं हम. सिमेट्री में वी कैन से वेदर इट इज ए सिमेट्रिक और इज इट बाइलेटरली सिमेट्रिक और इज इट रेडियली सिमेट्रिक. देन वी कैन सी कि वेदर दिस ऑर्गेनिज्म इज हैविंग जर्मिनल लेयर्स, में कितनी जर्मिनल लेयर्स हैं. इज इट डिप्लोब्लास्टिक और इज इट ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, वी कैन सी कि वो सीलोमेट है या नहीं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, सीलम प्रेजेंस और एब्सेंस. तो इट कैन बी ए सीलोमेट, इट कैन बी सूडो सीलोमेट और इट कैन बी सीलोमेट. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस जो होते हैं दे आर एसिमेट्रिक. ठीक है, सीलेंट्रेटा इज रेडियली सिमेट्रिक. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लैटियल इवेंथिस वगैरह अलग अलग क्लास में आते हैं. सो दिस इज हाउ वी विल फर्स्ट क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स. दीज आर नॉट जस्ट दी फीचर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर, देर आर मोर फीचर्स ऑल्सो. फॉर दिस वी हैव टू लर्न दिस टेबल, वी हैव टू लर्न दिस टेबल. ठीक है, वी नीड टू लर्न दिस टेबल. ये टेबल क्या कह रहा है, देखो, किंगडम अगर हम देखें सेलुलर लेवल में सिर्फ आता है पॉरीफेरा. सिर्फ पॉरीफेरा जो है दैट इज हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. उसके अलावा अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री में आते हैं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा. ठीक है, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइज, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल में जो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं वो है विदाउट बी बॉडी कैविटी प्लैटी एलिमेंथिस. ठीक है, फॉल्स सीलम एस के एलिमेंथिस, ट्रू सीलम इन सब के अंदर. तो ये सारे के सारे, ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न दिस. ठीक है, और इसमें ये भी लर्न करना है कि टिश्यू लेवल कहां तक है और ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल कहां से शुरू होता है. ठीक है, इज दिस आंसर.